हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ही स्कूल में यहाँ पर जो है 6 छात्राओं समेत जो यहाँ पर 16 लोग यहाँ पर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे के भीतर यहाँ पर जिले में संक्रमित की संख्या बढ़ने से यहाँ पर सतर्क हुआ स्वास्थ्य विभाग। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरे जनपद में यहाँ पर अगर बात करें एक ही जिले में एक ही जगह पर यहाँ पर देहरादून में 24 घंटे के अंतर्गत जो है यहाँ पर 16 जो कोरोना संक्रमित है छात्र छात्राओं समेत जो है यहाँ पर संक्रमित पाए गए। ऐसे में यहाँ पर जो है हड़कंप मची हुई है। और वहीं बात करें यहाँ पर गंगोत्री अपनोत्री धाम के कपाट खुले और चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। तो चारों धाम यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर विधानसभा सचिवालय में जो है नौकरी का झांसा देख करोड़ों ठगने वाला गिरफ्तार। तो यहाँ पर देख सकते हैं 90 लोगों से यहाँ पर जो ठगी की बात यहाँ पर स्वीकारी गई है और रिश्तेदारों की संपत्ति भी यहाँ पर जाँच शुरू कर दी गई है। तो लगभग जो है यहाँ पर सचिवालय या विधानसभा में नौकरी झांसा देने को लेकर कई लोगों से ठगी करने का मामला सामने आ रखा है। और वहीं बात करें यहाँ पर इस भर्ती घपला को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चहेतों के यहाँ पर जो है चयन के लिए यहाँ पर बना डाली दो दो सूचियाँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भर्ती में काफ़ी बड़ा घपला हो रखा है, जो कि आपकी सहकारिता भर्ती घपले की जो है जांच में बड़ा खुलासा हो रखा है, जो कि आपके बैंक में लगभग 423 के करीब पोस्ट निकल के आई थी उसमें घपला हुआ था। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि जिला सहकारी बैंक में जो है चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में यहाँ पर हुई गड़बड़ी में जो है चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और नेताओं और यहाँ पर अफसरों के यहाँ पर जोड़ से यहाँ पर रिश्तेदारों को यहाँ पर नौकरी देने के लिए यहाँ पर अभ्यर्थियों को जो है पर दो दो सूचियाँ तैयार की गई थी। और जांच में टीम के हाथ से यहाँ पर सूची लगने से सहकारी बैंक प्रबंधक में हड़कंप मचा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो दो सूची यहाँ पर जारी की गई थी अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर भरने को लेकर, और इसका खुलासा यहाँ पर जो है कर दिया गया है। और यहाँ पर प्रबंधक के निर्देशों का यहाँ पर नहीं किया गया पालन। तो यहाँ पर जो प्रबंधक ने जो निर्देश दिया थी भर्ती को लेकर उसका यहाँ पर पालन नहीं किया गया। और 10 मई तक जो है पूरी हो सकती है घपले की जांच। तो यहाँ पर 10 मई तक जो है कंप्लीट हो जाएगी। और पूछताछ में जो है अफसरों के बयानों में जो है यहाँ विरोधाभास यहाँ पर किया भी गया है। देख सकते हैं यहाँ पर भर्ती में जो है काफ़ी बड़ी धांधली हो रखी है और दो दो सूची यहाँ पर नाम लिखा रखे हैं। और रिपोर्ट में जो है वो होगी चौंकाने वाला खुलासा। तो जल्दी इसका रिपोर्ट आने वाला है और उसका खुलासा होने वाला है इस भर्ती का। और पढ़ाई के साथ यहाँ कमाई की योजना शुरू करने का सुझाव। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कई विभागों को जो है मिलकर काम करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पढ़ाई के साथ जो है रोजगार का जो है रुझान बढ़ाने को लेकर जो है संसदीय समिति कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो है पढ़ाई के साथ यहाँ पर कमाई की योजना भी शुरू करने का यहाँ पर जो सुझाव सरकार को यहाँ पर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर चयन प्रक्रिया में जो है 10% जो है बोनस अंक की मांग। तो यहाँ पर देख सकते हैं संविदा प्रवक्ताओं का जो है प्रतिनिधिमंडल जो कि आपका धन सिंह रावत से मिला। और यहाँ पर जो है गेस्ट संविदा प्राध्यापकों को जो है असिस्टेंट प्रोफेसर चयन प्रक्रिया में जो है API के साथ जो है 10% जो है अतिरिक्त बोनस अंक देने की यहाँ पर मांग को लेकर संविदा प्रवक्ताओं को यहाँ पर एक प्रतिनिधिमंडल जो है भाजपा नेता यहाँ पर प्रमोद बोरा के नेतृत्व में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के यहाँ पर जो है स्थित उनके आवास देहरादून में मिले हैं। और कहा गया है कि यहाँ पर जो है API के माध्यम से जो है अब यहाँ पर 10% जो अंक हैं वो बोनस में दिया जाए जिन संविदा में काम कर चुके हैं। और वहीं बात करें स्कूलों में जो है फीस बढ़ोतरी पर जो है भड़के अभिभावक। और वहीं बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि NTA ने यहाँ पर UGC नेट के दिसंबर 2021 और जून 2021 को लेकर यहाँ पर जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें यहाँ पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की यहाँ पर तिथि रखी गई है 20 मई। 20 मई से यहाँ पर आपके लास्ट डेट रहेगा और इसके लास्ट सबमिशन 20 मई रहने वाली है और करेक्शन करने के 21 मई यहाँ पर रहेगा। और इसके यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन जो सेंटर होंगे वो बाद में वेबसाइट में इंक्लूड किया जाएगा। और लगभग जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको 1000 रुपये रहेगा जनरल और रिजर्व वार्डों के लिए, और जनरल EWS और OBC जो होंगे 500 रुपये रहेगा, और बाकी SC ST और थर्ड जेंडर या PWD वालों के लिए यहाँ पर 275 रुपये रहेगा। इसके लिए यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं UGC की जो ऑफिस साइट है वहाँ से आपको आवेदन करने का मौका मिला हुआ है। और वहीं बात करें यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती चयनित का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 से। तो यहाँ पर अधिनियम चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और इसमें जो आपके चयनित अभ्यर्थी हैं 17 मई से यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। और सीरियल वाइज जो यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक का बुलाया गया है 17 तारीख को, ऐसे 100 से लेकर 101 से लेकर 200 तक का 18 को, फिर इसी क्रम में जो यहाँ बुलाया गया है इसके ऑफिसर साइड में आपको देखने को मिलेगा और वहाँ आपको जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर 17 से लेकर 27 तक जो है 10 दिन का यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको होना है। और वहीं बात करें यहाँ पर भर्ती की जो है CBSE जांच
कराने की यहाँ पर मांग। तो यहाँ पर युवाओं ने जो है स्नातक जो बीडीओ भर्ती परीक्षा है उसको लेकर जो है परीक्षा रद्द कर जो है सीबीआई जांच है न्यायिक जांच की मांग यहाँ पर कर रखी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष सहित जो है अन्य सदस्यों को हटाकर एक पाली में जो है परीक्षा कराने की मांग कर रखी है। और बेरोजगार युवाओं ने यहाँ पर बीडीओ भर्ती की जो है जांच करा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हटाने को यहाँ पर मांग किया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है तीन पाली में जो है कराए गए पेपर में जो है कई प्रश्न सही प्रश्नों को यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है और गलत उत्तरों का जो है यहाँ पर आयोग ने संशोधित कर उत्तर कुंजी में यहाँ पर सही माना है। और बंदरगाह भर्ती जो है कि आपका यहाँ पर बंदरगाह भर्ती में जो 18 पाली में लगभग 332 प्रश्न हटा दिए गए हैं और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित जो परीक्षा है पीसीएस परीक्षा उस पर भी 12 अंक प्रश्न हटा दिए गए हैं और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में जो है अनियमितता यहाँ पर दिख रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर इनकी मांग चली हुई है। तो देखते हैं यहाँ पर पीसीएस भर्ती में भी लगभग 12 प्रश्न यहाँ पर डिलीट किए गए थे और लगभग सबसे ज़्यादा बंदरगाह में आपके यहाँ पर 332 प्रश्न यहाँ पर है और इसका न्यायालय में भी मामला चला हुआ है और आयोग से यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। आयोग स्पष्टीकरण जारी करने के बाद से या तो ये भर्ती खुल सकती है फिजिकल कर सकते हैं या इसको आगे की कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है जो फॉरेस्टर की पोस्ट है ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर युवाओं ने यहाँ पर कहा गया है उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रखा है। और वहीं बात करें यहाँ पर स्कूलों को लेकर तो यहाँ पर देख सकते हो स्कूलों में जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शिक्षक पद यहाँ पर खाली हो चुके हैं इन दिनों और इंटर कॉलेज थल में भी यहाँ पर जो है शिक्षकों के पद खाली हैं और यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिदत्त पंत इंटर कॉलेज में जो है शिक्षण व्यवस्था यहाँ बदलाव हो चुकी है। तो 1977 से यहाँ पर जो है एकमात्र यहाँ पर सबसे पुराना जो स्कूल है वो यहाँ पर हरिदत्त पंत इंटर कॉलेज है और यहाँ पर जो है इसमें अभी समस्याएं जूझ रहा है। और यहाँ पर कहा गया कि स्कूलों में जो है यहाँ पर विद्यालय के कई पद खाली हैं जिस कारण जो है उसकी कमी की वजह से छात्र छात्रा जो है अन्यत्र यहाँ पर विद्यालय में जाने के लिए मजबूर हो रखे हैं और बिना जो है प्रतिस्थापना के यहाँ पर जो है तराई भेज दिए गए शिक्षक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कूल के प्रवक्ताओं को जो है बगैर जो है प्रतिस्थानी तराई के स्कूलों में जो है तबादला कर दिया गया है और पिछले 5 वर्ष में यहाँ पर जो है जीव विज्ञान रसायन विज्ञान अर्थशास्त्र संस्कृत आदि मुख्य विषय के यहाँ पर पद खाली हैं और 1 साल पहले यहाँ पर बिना प्रतिस्थानी के जो एनसीसी जूनियर की और सीनियर जो आपके डिवीजन के दोनों शिक्षक को यहाँ पर जो है अटल उत्कृष्ट में जो है तबादला कर दिया गया और इस कारण यहाँ पर इंटर कॉलेज में एनसीसी का संचालन प्रभावित हो रखा है। तो काफ़ी ज़्यादा पद यहाँ पर खाली हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कहा गया है कि यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया जो यहाँ पर है इनके द्वारा कि यहाँ पर बच्चा जो है यहाँ पर शिक्षा के महरूम रह रख जाएगा और यहाँ पर जो है सभी खाली पद जो है जल्द भर दिया जाए। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है जो खाली पद हैं उनको भरने की बात इनके द्वारा कही गई। जो वहीं बात करें उत्तराखंड की प्राथमिक स्तर भर्ती को लेकर इसका जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है और इसमें आप देख सकते हैं जो बैकलॉग भर्ती आपकी चंपावत जनपद में होनी थी आपकी बैकलॉग या अन्य पदों की भर्ती 2019 वाली 18 वाली और या 20 वाली दोनों की भर्ती की तो उसकी जो स्थगित है काउंसलिंग कर दी गई है। तो यहाँ पर 5 पास को होने वाली जो भर्ती प्रक्रिया की स्थगित थी वो कर दिया गया है और NSDL अभ्यर्थियों के संदर्भ में जो है यहाँ पर अंतरिम आदेश यहाँ पारित किया गया है। तो अंतिम आदेश पारित किया गया और इसी वजह से यहाँ पर अब ये भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर अभी फिलहाल स्थगित कर दी गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर CBSE बोर्ड परीक्षा के दौरान जो है मास्क बहुत थर्मल स्क्रीन जरूरी। तो यहाँ पर हिंदी का पेपर आसान देखकर जो है खिले छात्रों के चेहरे। तो यहाँ पर CBSE बोर्ड की यहाँ 10वीं 12वीं की परीक्षा शुरू हो चुकी है और थर्मल स्क्रीन भी जरूरी यहाँ पर कर दिया गया है क्योंकि कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर कानूनी दाव पेज में जो है उलझी बेसिक शिक्षकों की भर्ती। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक शिक्षक भर्ती लगभग डाटा तो इनका कुछ अलग ही रहता है न्यूज़ वालों का ठीक है। डाटा तो आप लोग ज़्यादा गौर मत करिए क्योंकि डाटा ऊपर नीचे होते हैं क्या लिखते हैं ये लोग। और यहाँ पर जो है कानून दाव पेज फंस चुकी है और शिक्षा निदेशक जो कि बंदना गर्ब्याल है उनके मुताबिक बताया गया कि NSDL करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका मामला कोर्ट के फैसले के बाद जो है काउंसिलिंग को जो है स्थगित कर दिया गया है और इसको लेकर जो है शासन से दिशा निर्देश मांगे हैं। तो शासन से यहाँ पर दिशा निर्देश मांगे हैं किस तरह की भर्ती करनी है आगे की प्रोसेसिंग क्या रहेगा उसको लेकर यहाँ पर अभी कोर्ट ने इनका कहा कि इनकी भर्ती में शामिल करने की बात कही है NS को लेकर। तो अब किस तरह से करना है वो शासन से यहाँ पर जो है इनका प्रस्ताव गया है और जो विभाग है तो NSDL को मामले को लेकर जो है फैसला कोर्ट के द्वारा यहाँ पर किया गया जिसमें जो है काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है और पूरे प्रकरण में जो है दिशा निर्देश यहाँ पर मांगे गए हैं और शासन से। तो शासन जो है अब भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर किस तरह का करना है किस तरह की भर्ती आगे की प्रोसेसिंग रहेगी वो शासन पर डिपेंड करता है। और इसमें यहाँ पर इसके मुताबिक बताया गया कि शिक्षा निदेशक के मुताबिक जो है 175 ऐसे BEd योग्य धारी हैं जिनके पास स्नातक में जो 50% से कम है। आगे हाईकोर्ट ने जो है ये तो कम्प्लीट हो गया इनका लिखा गया बार बार ठीक है ये तो इनके बंद लिफाफे किए गए हैं और इनके मुताबिक जो है शायद यहाँ पर जो है भर्ती जो आपकी निकाली गई थी इनमें पदों के विपरीत जो है 70% जो है नियुक्ति हो चुकी है।
और लगभग जो 70% पद नियुक्ति हो चुकी है, ऐसा बताया गया है। बाकी पदों पर देखिए क्या होता है और किस तरह की भर्ती यहाँ पर होनी है, अभी कुछ आइडिया नहीं है। और यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर शासन से प्रस्ताव मांगा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, दिशा निर्देश मांगे गए यहाँ पर विभाग ने। लेक्चरर की पोस्ट निकली है, लेक्चरर आपके जो है प्रवक्ता की पोस्ट निकली है इंटर कॉलेज में, इसके लिए आपके पास बीएड होना जरूरी है। तो उत्तराखंड के विद्यार्थी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और 21 वर्ष से होना चाहिए न्यूनतम आयु, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए सब्जेक्ट में, और इसके लिए बीएड होना कंपल्सरी है। भाग यहाँ पर जो है जीनियर, तो यहाँ पर भी जो है नौकरी के अवसर मिले हैं, तो जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट निकली है, 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं, जो कि बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान भागवन निकली है। और वहीं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान शोध संस्थान में भी निकली है वैकेंसी, 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान यहाँ पर भी आपके 30 मई तक जो है आवेदन करने के लिए बोला गया है, इसकी जो साइट है यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं यहाँ पर ICAR और IARI में भर्ती निकली 14 पदों को लेकर, इसकी यहाँ पर ऑफिस साइड यहाँ पर जारी किया गया है, 21 मई तक जो है आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी।